हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? पॉपुली ठीक हो क्या? अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। एंड गाइस, मैं बहुत दिनों से ब्लॉग वगैरह बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिजी थी। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा एग्ज़ाम था, एंड एग्ज़ाम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। एंड मैं थ्योरी एग्ज़ाम दे के आ गई वेस्ट बंगाल से अपना घर। एंड घर आने के 1 वीक बाद फिर से मेरा यूनो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तो मुझे फिर से वेस्ट बंगाल जाना पड़ा। तो मैंने 3 दिन के लिए फिर से वेस्ट बंगाल गई, देन मैं फिर घर आ गई। मतलब बहुत कुछ हुआ, तो मैं सब कुछ मतलब वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा बिजी थी। शायद मैं इंस्टाग्राम पर मतलब पोस्ट डाला था कि मैं फिर से वेस्ट बंगाल जा रही हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, बहुत बहुत ज़्यादा बिजी थी। गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्या ही बोलूँ मैं। असम में इतना ज़्यादा गर्मी दिया है ना, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद असम में पहली बार इतना ज़्यादा गर्मी दिया है, मतलब बिल्कुल भी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो बाहर चलती हूँ, एंड एक बार आपको भी दिखा देती हूँ मतलब कितना ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए बाहर चलती हूँ। बाहर जाने से पहले मैंने थोड़ी सी मैंगो खाई। मैंगो मेरी फेवरेट फ्रूट्स है। एक्चुअली मैंगो एंड लीची दोनों ही मेरी फेवरेट फ्रूट्स है, एंड दोनों एक ही सीजन में मिलती है। एंड मैंने अभी अभी फ्रिज से निकाल के मैंगो खाई, बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो खा के एकदम यू नो अच्छा लग रहा है। सो मैं बाहर आ गई हूँ, एंड आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप निकला है। तो धूप देख के शायद आपको पता चली गई होंगे कि असम में कितना ज़्यादा गर्मी है। रूम पर भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर जाऊँ अच्छा लगेगा शायद। तो मैं रूम से बाहर आई, एंड यहाँ आके भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग देख सकते हो मतलब एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद असम में पहली बार इतना ज़्यादा गर्मी दिया है। आप लोग देखिए, एक पत्ते भी हिल नहीं रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ, खतरनाक गर्मी है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो गाइज, एक्चुअली एक बात मुझे आप सबसे शेयर करनी है, जो कि है कि कल मेरा बर्थडे है। शायद किसी को पता होगा आप में से, एंड किसी किसी को नहीं पता होगा जो मुझे पहले से देख रही है। शायद उन लोगों को पता है कि कल मतलब मेरा बर्थडे है। इस बार मैं बर्थडे वगैरह बिल्कुल भी सेलिब्रेशन करने के मूड में नहीं हूँ, एंड मैं अपने हस्बैंड को भी बोल दिया हूँ कि मैं बर्थडे वगैरह बिल्कुल भी सेलिब्रेशन नहीं करने वाली हूँ। तो लेट्स सी, देखती हूँ क्या होता है। सो बस यही, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं नहा धो के फ्रेश होकर फिर आपसे मिलती हूँ। सो नहाने के तुरंत बाद मैंने एक आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो किस किस को आइसक्रीम पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की मतलब पूरे वीडियो पर आप लोगों ने सिर्फ खाने पीने का चीज़ ही देखा, क्या करूँ गाइस, इतना ज़्यादा गर्मी है असम में। मैंने तो मतलब वीडियो पर शायद 10 से 11 बार बोल ही दिए होंगे, मतलब गर्मी गर्मी क्या करूँ सच में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने आज बहुत ज़्यादा यू नो ठंडा वगैरह आइसक्रीम वगैरह एंड जूस वगैरह मैंने बहुत बार पिया, एंड अब जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड अभी एंड मैं कुछ देर पहले नहा भी लिया था, तो जिस वजह से अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड स्प्राइट भी मैंने अभी अभी खाया, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। सो फिलहाल मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सो जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि कल मेरा बर्थडे है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है कल। वैसे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल ही दिया है कि मतलब बर्थडे वगैरह मैं इस बार सेलिब्रेशन करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ होता है तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड को आने को टाइम हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना जूस बना देती हूँ। बाहर से आएगा, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो बाहर से आएगा तो ठंडा जूस पिएगा तो थोड़ा तो अच्छा लगेगा। तो जिस वजह से मैंने बनाई पाइनएप्पल जूस। सो मैं पाइनएप्पल जूस पर थोड़ी सी पुदीने की पत्ते ऐड की है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पुदीने की जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड साथ ही मैंने पाइनएप्पल फ्रूट्स भी काटा, एंड कुछ मैंगो भरता भी मैंने बनाई, जो कि मैं खाने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाती है। तो फिर हम दोनों ने मिल के यू नो फ्रूट्स वगैरह खाई, एंड जो पाइनएप्पल जूस है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पुदीना की जो फ्लेवर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं नहीं खाया, मैं बस थोड़ा सा यू नो टेस्ट किया, एंड अपने हस्बैंड को ही ऑफ़र किया। आप लोग देख ही सकते हो। अब बज रही है रात की 12, एंड मेरा बर्थडे स्टार्ट हुआ, एंड मेरे हस्बैंड से मुझे सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ देख के मुझे तो एकदम यू नो मैं तो एकदम खुशी से पागल ही हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे पता था कि मैं जितना भी क्यों ना कहूँ कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मेरी हस्बैंड मेरे लिए कुछ तो करेगा। एंड सच में देखिए, रात के 12 बजे मुझे यू नो बर्थडे सरप्राइज़ दिया। तो हम दोनों ने एक साथ मिलके बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा,
एंड साथ ही उन्होंने अच्छी तरीके से हम दोनों टाइम स्पेंड किया, सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड सुबह मेरे हस्बैंड मुझे यू नो बाहर ले जाने के लिए बहुत मतलब मनाया, लेकिन मैंने नहीं मानी क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस बार मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ एंड साथ ही यू नो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन करने के मूड में भी नहीं हूँ, तो मैं बाहर नहीं गई। एंड जितना मतलब घर में हुआ इतने में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड देखिए मेरी हस्बैंड मुझे कितना ज़्यादा केक खिला रहा है, वैसे ही मेरा यू नो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड देखिए कितना ज़्यादा केक खिला रहा है, मुझे लग रहा है आज तो मैं और भी ज़्यादा मोटी लगूंगी। एंड गाइस साथ ही मुझे यू नो बर्थडे गिफ्ट भी मिला, तो मुझे मिला सैंडल, फ्लैट सैंडल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्पेशली इसका जो मतलब सैंडल का जो कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड गाइस मतलब मेरा जो पिछले बर्थडे था ना तब भी मुझे यू नो शूज़ मिला था, एंड इस बार भी मुझे यू नो सैंडल ही मिला, तो क्या है मुझे पता नहीं, कोइंसिडेंट है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार भी मुझे सैंडल ही